अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि आइल्स जनरल आइल्स इजी है या इसके अलावा लैंग्वेज सर्ट इजी है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इजी है। तो लैंग्वेज सर्ट जो है ये दूसरों से काफ़ी हद तक इजी है और ये बहुत ही इजी है। अगर हम आइल्स से कंपेयर करें इसको तो ये काफ़ी इजी है, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश बेहतर नहीं है, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो फिर आपके लिए ये लैंग्वेज सर्ट भी इतना आसान नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी आती है और आप पास कर जाएंगे लैंग्वेज सर्ट, आप पास कर जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लैंग्वेज सर्ट में भी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ये बिल्कुल उसके अल्टरनेटिव बनाया गया आइल्स का, लेकिन अल्टरनेटिव भी वही एक्सेप्ट किया जाता है जिसमें कुछ दम हम हो। इस तरह नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आइल्स बहुत अच्छा इम्तिहान ले रहा है और आपको जज कर रहा है आपकी एबिलिटीज़, और दूसरी तरफ इस तरह हो कि लैंग्वेज सर्ट से आपकी एबिलिटीज़ जज ही ना हो। तो ऐसा नहीं है, दोनों ने आपकी एबिलिटीज़ जज करनी है, तरीका मुख्तलिफ है। और लैंग्वेज सर्ट कदरे आसान है और काफ़ी सारा आसान है आइल्स से, लेकिन वो इतना आसान नहीं कि आपकी इंग्लिश अगर सिर्फ काम चलाने वाली है, आप उसे काम चला रहे हैं, तो आप समझते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। उम्मीद है कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।